बस में आज हमें जाना है BIS लैब साहिबाबाद में, जो घर से निकल चुका हूँ, अभी भी निकला है मैं। अब देखते हैं, अभी तो मैंने 78 पकड़ा है, जो उधर पूरी जाने वाली जो बस होती है वो तो शादीपुर से निकल जाता है, बट मेरे को शादीपुर उधर के मुझे वहाँ से 85 पकड़ना है, जो आनंद विहार EXT जाएगा, आनंद विहार टर्मिनल, तो वहाँ से मेरे को चेंज करके वहाँ से रिक्शा पकड़ के फिर मेरे को वहाँ उतरना पड़ेगा। ये BIS लैब पर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, हमें 9:30 तक पहुँचना है, अगर 9:30 तक नहीं पहुँचा एक आदमी ने टिकट नहीं ली थी, बेचारा पकड़ा गया 5 रुपये के कारण। सो अगर बस में आया तो अपनी टिकट ज़रूर ले, नहीं तो आपका भी यही हाल होगा, अभी इसको उतारने वाले हैं शादीपुर पे। सो एवरी टाइम आप जब भी बस में आए तो टिकट ज़रूर ले। शादीपुर आ चुके हैं, अब मैं जा रहा हूँ 85 नंबर की बस पकड़ने, जो मुझे आनंद विहार ले जाएगी सीधा। 5 नंबर बस में बैठ गया, दौड़ भाग करके पहुंचना पड़ा यहाँ पे, अब पहुंचना पड़ेगा मेरे को सीधा वहाँ पे। अब मैं सो जाता हूँ, देखो रात को एडिटिंग कर रहा था पुरानी वीडियो। बस से उतर चुका हूँ मैं, बहुत टाइम लग गया था लेकिन सही टाइम पे पहुंच चुका हूँ। अब मुझे पकड़ना है ऑटो रिक्शा, जो मुझे पहुँचाएगी BIS लैब। ये रोड क्रॉस करने के लिए पहले पुल पार करना पड़ेगा। सो मेरा रोड, ये हमारा पुल, और ये हम चल रहे हैं। भीड़ तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, डर भी लग रहा है कि यहाँ कहीं फोन वोन छीन ले वैसे। में बिठाने के लिए तो बहुत भीड़ है, बस भी बहुत मात्रा में है, लेकिन हम बस में नहीं बैठेंगे, हमें ढूंढना है ऑटो रिक्शा, बट ऑटो रिक्शा इधर जा नहीं थी, हमें पैदल जाना है। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, टाइम तो होने वाला है 9:30 के बाद हमें अलाउड नहीं करेंगे, और हमें BIS लैब ले आके पता नहीं क्या करवाएंगे, अभी कुछ पता भी नहीं है। कल मैकेनिकल सी के बच्चे गए थे हमारे कॉलेज से, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। वहाँ पर मैं पहुँच के आपको अपडेट देता हूँ। सो अभी के लिए इतना ही। अगर आप जब भी बाहर आए तो ऐसे रोड पे कचरा बिल्कुल ना फैलाए। देखो मैं तो भाई आया हूँ तो अपना कचरा इसमें बैग के अंदर रख रखा है, ये देखो बनाना के पील्स। चलिए, ना गंदगी करूँगा ना गंदगी करने दूँगा। चलते चलते यहाँ पे पहुँच गए अपने दोस्तों के पास, ये रहा आर्यन, अंकित मान, शुभम, निकुंज। क्या निकुंज? अच्छा हाँ, ये भाई निकुंज है, बी सेक्शन का, इलेक्ट्रिकल सेक्शन बी। और बाकी वहाँ पे पहुँच चुके हैं अंदर, और बाकी होगा के डॉन आ रहे सारे, सबसे बड़ी डॉन टीपू सुल्तान, और ये रहा, और इतना लेट आ रहे सारे। लेट कोई नहीं है, सब टाइम पे पहुँचे लेकिन। अरे आप कुछ कहना चाहेंगे, फैजल क्यों नहीं आया? और यार दीपू भाई, अच्छा फैजल ने व्रत रखा है, नवरात्र का व्रत रखा है इसीलिए नहीं आया भैया। और ध्रुव, और भाई जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये हमारे क्लास के कपल्स दोनों। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। बैठे हुए मजे से, एक येरा ब्लॉगर, ये रे सारे हमारे फ्रेंड्स, पापा बेटा बैठे हैं, मिश्रा की चोट, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अरे BIS लैब की तरफ जाते हुए नीचे देखो, बिना नहाए आ जाता है हर बार, जब भी जहाँ जाना होता है चंदू बिना नहाए आता है। BIS लैब में नहाने की सोच रहा था ये, अभी ना भाई है देखो, इसके 1,00,000 सब्सक्राइबर है, इसके 1,00,000 सब्सक्राइबर है। अरे गलती से लगता है सरकारी स्कूल में आ गया ऐसा लग रहा है, और इसका एडमिशन करवाना है इसका इसका। हाँ इसी का, ये रहा हमारा हिमांशु राज भाई, जो हर वक्त चौड़े में घूमता रहता है, बल्ला वल्ला तोड़ के जला देता है, ठंडी में आग तापता है। ये हम दौड़ते हुए आ रहे हैं,
हम कॉन्फ्रेंस रूम में आ चुके हैं। टेम्पल रन का भालू जा रहा था अंदर, फोन अंदर अलाउड नहीं होगा मेरे ख्याल से। हम अपनी अपनी सीट पकड़ रहे हैं जल्दी जल्दी। एकदम कॉन्फ्रेंस रूम की तरह बैठ गए एकदम। ये रहा हमारा टेम्पल रन का भालू मस्त। ये सर आ गए हमारे, अब हमें कुछ इंटरटेन करेंगे। हेलो सर, दो कप चाय ले आना भाई जरा। अब तुझे भी चाहिए क्या कुछ? ठीक है जा भाई, दो ब्रेड ले आना। अब पीछे पियोन आया पानी वानी देने, कुर्सी साफ करने आए तो गजब बेइज्जती है। में आए लेकिन लाइट चली गई है और हमें देखो क्या मिला, एक बिस्लेरी की बोतल पानी पीने के लिए और हमें एक बैग मिला जो बहुत मस्त लग रहा है। जो जो नहीं आया वो तो बेकार हो गया उनके लिए, बेचारों ने मिस कर दिया चीज। इस पे देखा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो गवर्नमेंट है। हमारे लिए कॉफ़ी भी आ रही है, चाय आ रही है, हमारे लिए नाश्ता आ रहा है, चाय आ रहा है। और सर ने बताया कि यहाँ पे 700 प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जाती है, जो 900 तक जाती है लेकिन 700 तक की टेस्टिंग। हमारे लिए नाश्ता आ गया, पानी की बोतल, चाय भी आ रही है। घर से बिस्किट लेके आए तो खाने के लिए, चाय भी आ गई। यहाँ लंच प्रोवाइड किया गया है, ये स्पून दिया गया है, मिठास कंपनी का है और ये भाई कितना जाए और हमारा खाना टेस्टी लग रहा है देखने से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, चलो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं जरा। हमें देखो कितना अच्छा खाना प्रोवाइड किया दिया गया, लेकिन इसकी पन्नी फाड़ते ना बंद, फट गई हमारी, कुछ भी कहो जी फट गई। और ये हमें पता नहीं अभी क्या दिया है, पापड़, पापड़ है शायद से इसमें, और इसमें रोटी है। अभी खोल के अभी देखेंगे क्या है। हमारा स्पून है और ये रहा, ये देखो पन्नी फटते फटते ही फट चुकी है, अब पूरा जी जान लगा दिए। सर भी लगे हैं अपना पन्नी फाड़ने ओढ़ने में लेकिन सर की नहीं फट रही। हमारा खाना चालू हो गया, खाना खाना स्टार्ट। ये देखो भाई कुत्ता बन चुके हैं फाड़ने ओढ़ने के लिए मामले में, तो ये देखो लगे पड़े एकदम फाड़ने में, फट नहीं रहा पन्नी उन्नी। ये देखो खिंचवाने आया, सर ने बोला जहाँ पे BIS लिखा हो वहीं पर फोटो खिंचवाना है, तो ये रहा यहीं पर अभी फोटो शूट करवाएंगे, सारे ग्रुप फोटोज होगी यहीं पर। ये रहे हमारे TPO सर, ये आदित्य है जो हर वक्त हीरो बनता घूमता है। सारी हो चुकी है फोटो शूटिंग, अब हम सारे घर की ओर चलते हुए, तो हम जा रहे हैं घर सारे, सब अपने अपने मंजिल पे जा रहे हैं। ये मेरा दोस्त अंकित है, बहुत अच्छा ब्लॉगर है, इसके चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे। ये जितने भी कुछ बोला ये सब झूठ बोला, ठीक है। चलो भाई हम घर जा रहे हैं। दरबार की जय। 2.5 लाख का महीना आता है फिर भी सर मेट्रो से आए हैं। मेरे बाल के ऊपर इन दोनों की कंट्रोवर्सी चल रही है दोनों की, कि मेरे बाल बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरे बाल उतने भी अच्छे नहीं है। ये हमारे अभिनव भाई है जो हमारे क्लास में शरीफ बच्चे में थी, इनकी गिनती होती है, इतना शरीफ है कि मतलब।
बस आई गए बस स्टॉप पे अपने, बस में जैसे ही आते हैं वैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ बस, क्योंकि बहुत कुछ हुआ अंदर, मज़ा आ गया। लेकिन तो आपको मिलते हैं सीधा बस में, बैठ गया। मेरे को 73 नंबर की बस मिल गई जो कहाँ जाती थी, हाँ हरिनगर शहीद जाती है वैसे तो, बट मेरे को तो वहाँ उतरना है शादीपुर, शादीपुर उतर जाऊँगा फिर वहाँ से घर सीधा। ये जो स्टाइल मार रहा हूँ बाल पकड़ने वाला, ये अश्विन का स्टाइल है और मैं उसकी कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ विस्तार में पूरा कि हमें वहाँ पे क्या क्या दिखाया गया था मशीन में, हमें वहाँ मशीन उसमें नहीं लिया गया था, मशीन लैब में उन्होंने आने नहीं दिया था। तो वहाँ पे हमें बहुत सारे जो जिसकी जैसे प्रोडक्ट्स जो बनती है उसकी टेस्टिंग होती है वहाँ पे, कम से कम 20,000 बार, मतलब कि उसको स्टार्ट और स्टॉप किया जाता है, 30,000 रोटेशन में उसका चला जाता था, वो मशीन बन के उसके ऊपर ISI मार्क लगता था, वो मतलब लोगों के बीच आती है, वैसे ऑर्डर नहीं दिया जाता बाज़ार में। और उसका 6 महीने का लाइसेंस होता है, जो 6 महीने का लाइसेंस उन्हें मिलता है, उसके बाद दोबारा वो प्रोडक्ट जाती है मैन्युफैक्चर के लिए। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ तो मेरे से ज़रूर पूछ लेना अंकित ब्लॉग चैनल पे। तो वैसे तो और भी बहुत कुछ दिखाया गया आपको, बहुत सारी टेस्टिंग हुई, और हमें सर ने रिपोर्ट बनाने के लिए बोला है जो कॉलेज में जमा करना है बर्नवाल सर को,